बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक मोटर आपको दिखा रहा हूँ, केस स्टडी। ये एक केस स्टडी आपके साथ छोटी सी शेयर करूँगा, बड़ी वीडियो नहीं होगी, बिल्कुल छोटी सी वीडियो। देखिए 22 किलोवाट की मोटर है, थ्री फेस, और ये इसकी पूरी डिटेल है, आपको दिखा रहा हूँ। 1470 RPM ये लिखे हुए हैं, ये पूरी इसकी तफसील है। आप देख सकते हैं हमने इसको खोला हुआ है ओवर हॉलिंग के लिए। ओवर हॉलिंग में ये है कि इसके बेयरिंग जो है वो चेंज होंगे। ये इसका रोटर पड़ा हुआ है यहाँ पे, फॉल्ट में आपको दिखाऊंगा। इसमें इसकी वाइंडिंग देख लीजिए, वाइंडिंग इसकी आम तरीके की वाइंडिंग है, चेन किस्म की, बास्केट वाइंडिंग भी कहते हैं, तो वो है। बाकी इसके बोल्ट वगैरह सामान इसका यहाँ पड़ा हुआ है। अभी मैं आपको फॉल्ट इसका दिखाता हूँ। फॉल्ट आप इसका देखिए, ये इसका जो फैन साइड शाफ्ट है वो है, ये इसका ड्राइविंग साइड शाफ्ट है। ड्राइविंग साइड शाफ्ट में आप देखें, ये की वे इसका देखें, ये की वे इस तरह से था, इस तरह से बना हुआ था, ये साइड ठीक है और ये इस साइड इस तरह से था, और ये अब देखें ये की वे कहाँ पहुँच गया। तो ये यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ पहुँच गया, यानी मसला ये यहाँ पे शेयर हो गया। ये सारा ये मटेरियल इसमें से निकला है, ख़राब हुआ है, वर्न आउट हुआ है, और उसके बाद ये यहाँ तक पहुँच गई है ये की वे। तो ये अभी दोबारा मशीन पर बनाएंगे। इसके दो तरीके हैं, या तो यहाँ पर वेल्डिंग से इसको रिबिल्ड किया जाए, पूरे को रिबिल्ड किया जाए और फिर इसको मशीन किया जाए, टर्न किया जाए, और इसके बाद फिर यहाँ पे जो है तो दोबारा की वे काटा जाए। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि अगर हम इसको थोड़ा सा यहाँ पलटें, देखिए ये शाफ्ट यहाँ से ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक नया की वे इसको काट दें, यहाँ पे अगर एक नया की वे काट लें, तो हम ये वेल्डिंग के प्रोसेस से, रीबिल्ड के प्रोसेस से बच जाएंगे। यहाँ पर सिर्फ एक वे की वे काट देंगे और फिर उसके अंदर की लगा देंगे। तो अगर पुरानी की यहाँ पर, पुरानी की इस जगह पर है, तो पुरानी की अगर पड़ी भी रहे, इसमें लगी भी रहे, यानी वो ख़राब भी रहे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नई की यहाँ पे फिट हो जाएगी और फिर ये काम देगी, क्योंकि ये शाफ्ट अच्छी खासी मोटी शाफ्ट है, तो ये इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ इतना सा मसला, इसमें से मटेरियल अगर निकल भी गया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो दो तरीके हैं, या रिबिल्ड करके या फिर दूसरे साइड पे नई की काट के। तो ये की वे इस तरीके से होता है। इसके लिए मशीन है हमारे पास, किसी और वीडियो में मैं आपको वो भी दिखाऊँगा, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी कि की वे कैसे काटते हैं। वो मशीन पूरी डिटेल मैं आपको दूँगा, तो वो मेरे चैनल पर देख सकेंगे। तो ये केस स्टडी मैंने आपके साथ शेयर की दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, इंडस्ट्रियल हवाले से, मोटर रिबिल्डिंग, मोटर रिपेयर के हवाले से। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, आल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।